हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो हम लोगों का आज तो हमारा सब लोग जल्दी नहा धो लिए थे और फिलहाल तो हम लोग अभी तैयार हुए हैं। पूजा वगैरह हमने सब कर ली है, उसके बाद में खाना पीना भी हमारा हो गया है और अभी हम लोग तैयार हुए हैं। मुझे है थोड़ा सा काम मार्केट में, एक दो मुझे चीज़ें लेके आनी है और थोड़ा सा ना हम लोग काफ़ी टाइम से ना घर से मतलब गए नहीं हैं, तो थोड़ा सा सोचा ठीक है थोड़ा सा मतलब बच्चों को थोड़ा सा घुमा के भी ले आएंगे, मतलब थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। बहुत टाइम से कहीं भी नहीं निकले हम घर से, बस काम काम इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं ना, मैं भी बिज़ी रहती हूँ, ये भी बिज़ी रहते हैं, तो बच्चे बोल रहे कि मम्मी कहीं भी नहीं लेके जाते हमें, तो हमने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा घूम के आते हैं। सो अभी मैं तैयार हो रखी हूँ, मैंने ये पहना है अपना और ये अंदर ये भी तैयार है, ये अंदर शूज़ पहन रहे हैं और बच्चे दोनों तैयार हैं, बस निकलने ही मतलब ये शूज़ पहनेंगे उसके बाद हम लोग निकल लेंगे। मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं और क्या लाती हूँ। लाना तो इतना कुछ नहीं, एक दो चीज़ें लेके आनी है, जैसे मेरी ट्रे है, मेरी ट्रे टूट गई, इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं जब वर्किंग जो ट्रे है ना मेरी, वही नहीं आ पा रही थी मेरे, कब से मैं सोच रही हूँ। और एक दो चीज़ें मुझे और लानी है, देखते हैं अभी क्या लेके आएंगे, क्या नहीं लेके आएंगे, क्या दिलाएंगे, ये मेन तो चीज़ है, ये दिलाते नहीं चीज़ें जल्दी से। कुछ क्या हो गया टिया को, गुस्सा आ रहा है, कबीर मना कर रहा है कि मैं नहीं जा रहा, चुप रहो चल भाई भी चले। क्या हुआ तुझे? चल पता नहीं पीछे पीछे घुसे जा रहा है। ये देखो ये डॉगी, ये यहीं यहीं रहता है, टिया इसको रोज सुबह उठते यहाँ पे खिलाती पिलाती रहती है, तीनों टाइम खाना देती है। ओहो इसका स्नैक्स टाइम है, टीएन एस के टाइम फिक्स कर रखे हैं, सुनो हाँ टीएन एस के टाइम फिक्स कर रखे हैं डॉगी के, कैरी कैरी इसका स्नैक्स टाइम है। सुबह स्कूल जाती रहती है, स्कूल से आगे देती हूँ फिर रात को देती हूँ। क्या जब सुबह उठते हैं ना स्कूल जाते जब देती हूँ, स्कूल से आके देती हूँ फिर रात को देती हूँ। अच्छा गाइज, अभी हम लोग आए हैं डोगरा मंदिर, यहाँ पर जाना हमें जाना तो हमें कहीं और था लेकिन हम यहाँ पर गए हैं, मैं कहने लगे चलो मंदिर चलते हैं, तो अभी हम मंदिर में आए हैं और अभी अंदर चलते हैं और यहाँ इस मंदिर में फ़ोटोज़ वगैरह खींचना सब बंद है, तो वीडियोस तो शायद मैं नहीं बना पाऊँगी, है ना। देखो इन सब आने वाले अंकल से पूछते क्या पूछता है, इनसे कहाँ लिखा फोटो बंद है, मोबाइल बंद करो, लो जी कृपया मोबाइल बंद करो। तो गाइज अभी हमने मंदिर में एंट्री कर लिए है और यहाँ पर बाहर ही लिखा हुआ है बड़े मोटे मोटे शब्दों में कि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, मतलब कि वीडियो नहीं बनानी है और पिक्स भी नहीं खींचनी, बट मैं ले आई फ़ोन अभी तक, तो बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर था शूज़ रखने का, शूज़ वगैरह रख के फिर हमने हैंड वॉश करे और उसके बाद में हम लोग में मतलब अंदर यहाँ पे देखा कि हैंड वॉश करने के बाद में यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, तो अंदर गए हमने प्रसाद लिया, फिर हमने इन भैया से हमने कहा चलो इनसे पूछते हैं कि अंदर हम वीडियो बना सकते हैं या नहीं बना सकते, और यहाँ से फिर अपना अपना प्रसाद भी ले लिया। अभी हम मंदिर से अंदर होके आ गए हैं और यहाँ वीडियो और फ़ोन अलाउड नहीं था बिल्कुल भी, मतलब अगर आपको यहाँ किसी ने वीडियो बनाते हुए देखे हैं तो आपका फ़ोन रख लेंगे और फिर आपको वापस नहीं मिलेगा फ़ोन, तो मैं तो डर गई और मैंने सोचा कि चोरी से बना लेती वीडियो, लेकिन मैंने नहीं करा ऐसा क्योंकि अगर फ़ोन जमा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम अभी दर्शन कर लिए और ये प्रसाद है ये भी रहा हमारे पास और अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ। नहीं अभी तुम्हें जाना है मार्केट, जाना है मार्केट चलते हैं, तो एक दो चीज़ें लेनी है वो ले लेते हैं उसके बाद घर जाएंगे। पतिदेव केला खाते हुए सो गाइस देख सकते हैं आप लोग हमारे पतिदेव कैसे केला खा रहे हैं। क्या टिया नहीं क्यों छेड़ रहे हो बेटा, क्या टाइम हो गया? 5:22 छोटा सा बच्चा देखो कितना क्यूट लग रहा है, देख देख कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है। सो गाइस ये डोगरा मंदिर
बहुत सुंदर है। और यहाँ मतलब इतना ज़्यादा जैसे होता है ना मंदिरों में, मतलब कई काफ़ी लोग प्रसाद चढ़ाते तो गंदगी हो जाती है, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने एक चीज़ देखी कि जैसे ही सफाई, मतलब कोई प्रसाद चढ़ाता है कुछ होता है, मतलब तुरंत सफाई करी जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ है। और ये मंदिर जो है ये कैंट एरिया में है, यानी कि मतलब ये मंदिर ना आर्मी वालों का है, तो यहाँ पे जो पुजारी हैं वो भी आर्मी के ही हैं, मतलब सारी चीज़ें सब आर्मी वाले हैं यहाँ पे, सिविलियन यहाँ पे कोई भी नहीं है। और अभी मेरी बाइक आ चुकी है और हम यहाँ पे चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं फाइनली यहाँ से, और ये देखिए कैंट की सड़कें जो है इतनी अच्छी होती है ना, मतलब होती तो ना, मतलब वैसे माल रोड पर घूमना बहुत अच्छा लगता है। मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद था कि माल रोड पे, क्योंकि एक तो ना यहाँ पे बिल्कुल सफाई होती है, कैंट एरिया में ना सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, और ऊपर से यहाँ पे ना हरियाली बहुत होती है, चारों तरफ पेड़ होते हैं, और पेड़ होने के बाद भी गाइस यहाँ पे देखो मतलब ऐसे कोई गंदगी नहीं दिखती है, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पर घूमना। और अभी हम लोग जो है वो मार्केट में पहुँच चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। छुट्टी वाला दिन ना मुझे लगता है सबको यही लगता है कि हम मार्केट जाके काम ही निपटा लें अपने, तो हम इनका वेट कर रहे हैं, ये दिखाते हैं दुकान में अंदर जाकर खरीदने के लिए खड़े हुए हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आज छुट्टी है, तो मैंने अपने सिर पर लगाई हुई है मेहंदी, और सुबह से लगे हुए हैं काम में हम, जैसे कि कितने सारे कपड़े धो चुके हैं, झाड़ू लगा चुके हैं, पोछा लगा चुके हैं, डस्टिंग कर चुके हैं, नाश्ता कर चुके हैं। सो अभी तो मेहंदी लगा ली मैंने फाइनली, मैंने रात को मेहंदी भिगो दी थी क्योंकि बहुत टाइम से ना मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना आज मेहंदी लगा, यानी कि टाइम का पूरा पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है और छुट्टी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो अभी मैं धूप में बैठ गई हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेहंदी लगाई ना तो ताकि ठंडा ठंडा ना लगे। मौसम तो खैर कैसे बहुत ज़्यादा चेंज होगा, देखिए मेरे टॉप पे भी ना यहाँ पे थोड़ी सी मेहंदी जो है गिर गई है, वो लगाओ ना थोड़ी बहुत टपक ही जाती है, पर कोई नहीं, अभी मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा बस डेढ़ घंटा लगाऊंगी, इससे ज़्यादा ना मेहंदी लगानी भी नहीं चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना कि बहुत देर तक मेहंदी करके घंटे मेहंदी लगाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मेहंदी ज़्यादा देर तक नहीं लगानी चाहिए, ज़्यादा देर लगाने से भी बालों को नुकसान होता है, तो मेहंदी बहुत ज़्यादा डेढ़ घंटा इतना इनफ होता है। तो डेढ़ घंटा मैं सिर पर मेहंदी लगा लूँगी, उसके बाद मैं फिर सिर धो लूँगी। मेहंदी लगाओ ना तो पता बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है, अगर सही तरीका जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि अब मैंने मेहंदी लगा ली, मैं फिर सिर धो लूँगी, उसके बाद में मेरा सिर सूख जाएगा, फिर इस पर तेल से चंपी करो, उसके बाद में फिर इसमें मतलब फिर शैम्पू करो, तो कहते हैं कि ऐसे लगानी चाहिए। तो एक पार्लर वाले भैया थे, उन्होंने मुझे ये प्रोसीजर बताया था, तो इतना मैं कर पाती हूँ उसकी तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा अपने को लेके बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ मैं, किसी और के करना होता ना तो कर देती, लेकिन अपने लिए तो कोशिश कर रही हूँ अगर टाइम मिल गया तो, क्योंकि थोड़ा और भी बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं, पूरे पूरे दिन सीढ़ी थोड़ा धोती रहूँगी मैं, है ना। तो फिलहाल थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं आगे चल के। सो गाइस अभी मैं बैठी थी तो अभी मेरे पास फ़ोन आया कि जो हमारे बीच वाला फ्लोर है ना वहाँ पर जो रहते हैं उनको ना पंखा लगवाना था ना, तो टिया के पापा उनके पंखा लगा रहे हैं, तो वो मुझे भी बुला रहे हैं, मतलब कि चाय बना रहे हैं, चलो बैठ के चाय पीते हैं। पता है आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग एक ही घर में रहते हैं लेकिन हम लोगों को बात करे बिना शायद एक एक महीना हो जाता है, मतलब आज मुझे बोल रहे कि इतना ज़्यादा बिजी रहते हो कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो अभी मैं मेहंदी तो लगी हुई है अपना, और कुछ अभी नहीं करना, तो नीचे चलते हैं चाय पीते हैं, और टिया के पापा वहीं पे हैं, तो चलो भैया चलते हैं। टिया बेटा मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है। मेहंदी लगा के मैं कैसे लग रही हूँ ना, गंजी गंजी सी। अरे बेटा अभी तो मशीन चल रही है मेरी, एक मिनट, मशीन मैंने लगा रखी है, लास्ट वाला लॉट रह गया है निकलने के लिए। इस वाले वॉशरूम में से कपड़े धोती हूँ मैं, लाइट बंद कर दूँ, बिना मतलब की लाइट नहीं इस्तेमाल करनी। टिया सुन मेरी बात ध्यान से, ये वाला जब रुकेगा ना राउंड, इसके बाद में पानी बंद कर दियो और ड्रायर घुमा दियो, धुल जाएंगे कपड़े, ठीक है। अब मैं नीचे जा रही हूँ। सो गाइस चलते हैं नीचे, चाय पीते हैं चल के, मेरा ना चाय पीने का मन भी कर रहा था, चल के चाय पीते हैं चल के, चलो भाई चलो। लग गया पंखा, देखो टिया के पंखा है भैया, नमस्ते। टिया के पापा पंखा लगाते, तू भी यहीं पे है, ये भी यहीं है, हाँ वीडियो बना रही हूँ आपकी। सो गाइस देखिए मेरे पतिदेव पंखा लगाते हुए संदीप पे चढ़े हुए ऊपर।
ये देखो भैया, ये आ नहीं रहे थे, डर रहे थे, ये कह रहा के आप सब नहीं, डर लग रहा था ना जैसे कनेक्टर कान में लगा लेते ना पेन वैसे आ नहीं रहे थे। हमने कहा जितने मेरे मेहंदी लग रहे थे तुम चले जाओ नीचे, तो गए नहीं, कह रहे नहीं साथ ही जाऊंगा, जबरदस्ती भेजा है। ये पंखा नया लाए हो, कैंटीन से निकलवाया होगा, दुकान से, कितने का आ गया ये? तो गाइस ये हमारी सुरभि मैडम है, मेरे मेहंदी इन्होंने ही लगाई है, गंदी से मैं तो बहुत खूबसूरत हो रही हूँ। ये देखिए मैं आपसे यहाँ से दिखाती हूँ बाहर का सीन कैसा है। ये देखिए ये हमारा नीचे वाला फ्लोर है और इधर से ये बाहर का है एरिया। ये देखिए कितने सारे पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों में ही पौधे लगा रखे हैं। और ये हमारे बराबर वाला घर, इन्होंने देखो कितने सारे पौधे लगाए हुए हैं। और ये देखिए अधिक ज़्यादातर आप लोग ऊपर से देखते हो ना अब यहाँ पे। और ये देखिए इधर चलते हैं, ये देखिए यहाँ से आपको दिख रही होंगी हमारी सीढ़ियाँ है ना ऊपर। और इधर ये है बराबर वाला प्लॉट जो कि खाली है, जिसमें दुनिया भर का कूड़ा पड़ा हुआ है, लोग डाल देते हैं कूड़ा, गंदगी फैलाते हैं बहुत। हमारे यहाँ पे देखो रक्षापुरम में गायें कितनी हैं, एक देखो इधर है ना और एक और ही उधर, तो गाय बहुत ज़्यादा आती रहती है यहाँ पे। तो भी चलते हैं अंदर। यहाँ पे ना मैंने बहुत पहले एक फ़ोटो खिंचवाई थी इस जगह पे खड़े होके, तो वो फ़ोटो बहुत अच्छी आई थी, मतलब यहाँ पे ना करा व्यू मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं अंदर। सो गाइस यहाँ पे तो बन रही है चाय और हम यहाँ बैठ के आराम से चाय पियेंगे, और अगर हो सके तो आप लोग भी आ जाइए और आप लोग भी चाय पी लीजिएगा। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कौन है किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।